तो भाई स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर आज की ये वीडियो बनाने में मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और वो तो टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि भाई जो मेहनत थी कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की, हेल एंड सेल का उन्होंने इतना कमाल का मैच दिया था। कोडी रोड्स इंजर्ड थे फिर भी उन्होंने हम फैंस के लिए इतना कमाल का यहाँ पर मैच दिया, और उस मैच की यहाँ पर रेटिंग निकल के आ चुकी है। उसी मैच की नहीं बल्कि पूरे जो हेल एंड सेल के सारे मैचेस थे उन सारे मैचेस की यहाँ पर रेटिंग निकल के आ चुकी है। और जो सेथ रॉलिंग्स और कोडी रोड्स का हेल इन अ सेल का जो मैच गया है उस मैच को यहाँ पर डेव मेल्जर ने दी है 5 स्टार की रेटिंग। अब क्यों यहाँ पर ये शॉक करने वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं जो डेव मेल्जर हैं उनके हाथों से 5 स्टार की रेटिंग काफ़ी कम निकलती है। AEW के अंदर हमने देखे हैं, NJPW के अंदर हमने देखे हैं, जो मैचेस होते हैं उनको 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। वहाँ की हम जानते हैं रेसलिंग क्वालिटी काफ़ी सही होती है, लेकिन यहाँ पर मेन रोस्टर के अंदर WWE के अंदर यहाँ पर जो 5 स्टार मैच की रेटिंग है डेव मेल्जर बहुत ही ज़्यादा कम देते हैं। और मैं आपको बताऊँ जो लास्ट मतलब जो 5 स्टार की रेटिंग मिली थी 2011 में यहाँ पर मिली थी, जब शायद वो यहाँ पर CM Punk और जॉन सीना का मनी इन द बैंक वाला मैच था। तो 2011 के बाद से यहाँ पर अब जाके यहाँ पर मेन रोस्टर के किसी मैच को यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग मिली है। NXT के अंदर तो यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिल चुकी है, काफ़ी सारे मैचेस को मिल चुकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेन रोस्टर के मैचेस के बारे में, और यहाँ पर सेथ रॉलिंग्स और कोडी रोड्स के इस साल के हेल इन ए सेल को यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है। अब हम जानते हैं यहाँ पर वो वाला मैच कितना ज़्यादा यहाँ पर कमाल का हुआ था, बढ़िया हुआ था। और कोडी रोड्स मतलब उस मैच के अंदर इंजर्ड थे फिर भी यहाँ पर उन्होंने उस मैच के अंदर कम्पीट किया था, तो ये तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और कह सकते हो यहाँ पर पता भी नहीं है कि कैसे WWE ने उनको अलाउ करा, WWE के डॉक्टर्स ने उनको अलाउ करा, क्योंकि साफ साफ वो उनकी जो इंजरी है वो दिखाई दे रही थी, और फिर भी यहाँ पर WWE ने उनको अलाउ करा। शायद कोडी रोड्स को भी इस मैच के अंदर आना था, कि जो फैंस यहाँ पर देखने के लिए आए थे हेल एंड सेल, और हम जानते थे इस बार यहाँ पर एक ही हेल एंड सेल मैच था, एक ही यहाँ पर मेन इवेंट था। तो अगर ये वाला मैच कैंसिल हो जाता तो फिर WWE करती क्या, और हो सकता है यहाँ पर ये वाला मैच कैंसिल हो जाता तो जो फैंस है वो पूरे शो का वेट ही नहीं करते, वो यहाँ पर चले ही जाते, क्योंकि वो इसी मैच के लिए आए थे। रोमन रिंग्स है नहीं है, तो इकलौता यहाँ पर पूरे शो के ऊपर सबसे बड़ा मैच था वो यही था, इसी के लिए यहाँ पर फैंस आए थे। और सेथ रॉलिंग्स और कोडी रोड्स ने कमाल का मैच दिया था, और यहाँ पर डेव मेल्जर की तरफ से उनको 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है। अब यहाँ पर बाकी के मैचेस की रेटिंग मैं आपको अभी नहीं बता रहा, क्योंकि रेटिंग वाली वीडियो आप जानते हो स्टार रेटिंग के अलग से वीडियो आती है, तो उसके अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे। लेकिन ये 5 स्टार का मैच निकल के आया था इसके बारे में मुझे अलग से कुछ बात करना थी, बताना था भाई कि 2011 के बाद यहाँ पर ये मैच है, कितने सालों के बाद जिसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है। और भाई काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की जो मेहनत है वो वसूल हो गई, कोडी रोड्स की ज़्यादा, क्योंकि भाई किस तरीके से उन्होंने कम्पीट किया था इस मैच के अंदर। आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में और 5 स्टार की रेटिंग के बारे में, जो कि फाइनली इतने सालों बाद यहाँ पर WWE के मेन रोस्टर के किसी मैच को मिल चुके हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कल की स्मैकडाउन के बारे में बात करें, कल स्मैकडाउन का शो आने वाला है, एक बड़ा चैंपियनशिप मैच होने वाला रिकोसे और गुंथर के बीच में, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होगा। और हो सकता है इस मैच के अंदर हमें टाइटल चेंज देखने को मिल जाए, क्योंकि गुंथर या फिर हम वॉल्टर की बात करें कैसे वो सुपरस्टार हैं हम सब यहाँ पर जानते हैं, अभी तक यहाँ पर वो अनडिफीटेड हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर वो इस मैच को जीतेंगे और न्यू चैंपियन यहाँ पर वो बन जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर WWE ने मनी इन द बैंक के जो क्वालिफाइंग मैचेज हैं वो भी अनाउंस कर दिए हैं। ड्रू मैकइंटायर और सीमस का मैच होने वाला है, और इसके साथ ही विमेंस डिवीजन से लेसी एवेंस और ज़ाया ली का मैच होने वाला है। तो ये कुछ मैचेज अनाउंस है कल की स्मैकडाउन के लिए। बाकी जो मेन हमारा टॉपिक था भाई 5 स्टार रेटिंग वाला, वो तो मैंने आपको बता दिया, आप मुझे बताना आपका इसके बारे में क्या कहना है कल की स्मैकडाउन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे तो यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है, तो आपको भी अगर खुशी हो रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार के, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।